रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मोटे होंठ हर किसी को अपनी तरफ मुतवजा करते हैं और होठों को मोटा करने के लिए इंजेक्शंस का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट भी होते हैं और ये हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो क्यों ना आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बता दी जाए जिससे आपके होंठ कुदरती तौर पर मोटे हो जाए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपने ऑलिव ऑयल लेना है, यानी कि जैतून का तेल। किसी भी ब्रांड का ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। अगर किसी के पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो वो वैसलीन भी यूज कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। बस एक चम्मच आपने ऑलिव ऑयल लेना है। अब जो चीज आपने इसमें ऐड करनी है वो है सिनामन पाउडर, यानी कि दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी को घर में पीस कर भी इसका पाउडर बना सकते हैं। ये हमें बस थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन 1/4 चम्मच। बस ये दो ही चीजें काफी हैं आपके होठों को मोटा करने के लिए। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। आपने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालना है और मिक्स कर लें। अगर आप ऑलिव ऑयल की जगह वैसलीन यूज कर रहे हैं तो 10 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें। इसे लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा कि होठों पर लिपस्टिक या लिप ग्लॉस वगैरह नहीं लगा हुआ हो। अब इस मिक्सचर को किसी कॉटन बड की मदद से अपने होठों पर लगाएं और इसी से मसाज भी करते जाएं। अच्छी तरह आपने ये लगाना है। अब एक दूसरी कॉटन बड लें और दालचीनी पाउडर में डिप करें और इस मिक्सचर के ऊपर लगाएं। फिर इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब 15 मिनट हो जाएं तो किसी टिश्यू की मदद से इसे पोंछ लें। याद रहे, इसे हटाने के लिए आपने पानी का यूज नहीं करना, सिर्फ 7 दिन आपने ये यूज करना है। 7 ही दिन में आपके होंठ मोटे और खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।